नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। यूपी में इंटरमीडिएट का इंग्लिश का परीक्षा का पेपर रद्द हो गया है क्योंकि वो लीक हो गया था। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बलिया से पेपर लीक हुआ जिसके बाद 24 जिलों में पेपर को रद्द कर दिया गया। यूपी में इंटरमीडिएट का अंग्रेजी का पेपर लीक, बलिया में पेपर लीक के बाद परीक्षा रद्द। 24 जिलों में 12वीं की अंग्रेजी की परीक्षा रद्द। अलीगढ़, गाजियाबाद, बागपत, एटा, बदायूं में परीक्षा रद्द। सीतापुर, ललितपुर, महोबा, जालौन में परीक्षा रद्द। आगरा, मैनपुरी, मथुरा, गोंडा में परीक्षा रद्द। चित्रकूट, अंबेडकर नगर, प्रतापगढ़, आजमगढ़ में परीक्षा रद्द। गोरखपुर, आजमगढ़, कानपुर में परीक्षा रद्द। बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पेपर लीक मामले में एक्शन में योगी सरकार। सीएम ने दोषियों पर एनएसए लगाने के दिए आदेश। पेपर लीक मामले में जांच करेगी एसटीएफ। एसीएस गृह ने इसका लिया संज्ञान। डीएम एसपी से एसीएस गृह अवनीश अवस्थी ने लिया संज्ञान। 24 जिलों के डीएम एसपी से रिपोर्ट तलब। यूपी में इंटरमीडिएट का अंग्रेजी का पेपर लीक, बलिया में पेपर लीक के बाद परीक्षा रद्द। 24 जिलों में 12वीं की अंग्रेजी की परीक्षा रद्द। अलीगढ़, गाजियाबाद, बागपत, एटा, बदायूं में परीक्षा रद्द। सीतापुर, ललितपुर, महोबा, जालौन में परीक्षा रद्द। आगरा, मैनपुरी, मथुरा, गोंडा में परीक्षा रद्द। चित्रकूट, अंबेडकर नगर, प्रतापगढ़, आजमगढ़ में परीक्षा रद्द। गोरखपुर, आजमगढ़, कानपुर में भी परीक्षा रद्द। पेपर लीक मामले में एक्शन में योगी सरकार। सीएम ने दोषियों पर एनएसए लगाने का आदेश दिया। पेपर लीक मामले में जांच करेगी एसटीएफ। एसीएस गृह अवनीश अवस्थी ने मांगी रिपोर्ट। चौबीस जिलों में डीएम एसपी रिपोर्ट मांगेंगे। और इस खबर पे हमारे साथ दो संवाददाता जुड़ चुके हैं। बलिया से अखिलेश जुड़ चुके हैं, गोरखपुर से हिमांशु जुड़ चुके हैं। अखिलेश, बलिया से पेपर लीक बताया जा रहा है जिसके बाद 24 जिलों में एक्शन लिया जा रहा है और रद्द कर दिया गया है पेपर। क्या है पूरा मामला बताते। इस समय हम टाउन इंटरमीडिएट कॉलेज पर है, जहाँ के जिलाधिकारी के आदेश में नोटिस लगा हुआ है। जिलाधिकारी महोदय का आदेश हुआ आज दिनांक 20 मार्च 2020 तक दूसरी पाली में अंग्रेजी के परीक्षा केंद्र को निरस्त की गई। जहाँ तक हम लोगों को भी सूचना अधिकारी के माध्यम से ये जानकारी हुआ कि आज पेपर सोशल मीडिया पे वायरल होने की वजह से अंग्रेजी का पेपर निरस्त हो गया है। और इस तरह का 24 जिलों में आज पेपर निरस्त होने के कारण बताया जा रहा है। जी हिमांशु, गोरखपुर में क्या स्थिति है? पेपर लीक हो गया, इसके बाद परीक्षा केंद्र पे बच्चे पहुंच चुके थे, तो जब उन्हें ये सूचना मिली कैसा माहौल देखने को मिला? हिमांशु, आप मुझे आवाज, आपको मेरी आवाज आ रही है? हिमांशु की आवाज हमारे पास नहीं आ रही है। अखिलेश, परीक्षा रद्द हो गई है, जब बच्चों को इस बारे में जानकारी मिली तो बच्चों के बीच कैसा माहौल देखने को मिला? अखिलेश, जिस तरह कुछ देर पहले जैसे ही नोटिस बोर्ड लगा, जो भी बच्चे नोटिस पढ़े गए तो उनके में कम से कम एक निराशा थी। कम से कम बच्चे जो 10 या 15 किलोमीटर के देर से आए हुए थे, उनमें काफी एक तरह का निराशाजनक जनक महसूस हो रहा था कि हमारे पेपर तो हर बच्चे कहीं ना कहीं तैयारी करके आते हैं कि हमें आज पेपर देना है। और एक तरह से जैसे ही वो अपना सिलेबस देखा कि भाई अंग्रेजी का पेपर निरस्त हो गया है, यहाँ नोटिस बोर्ड पे जब पढ़ा तो कहीं ना कहीं एक बच्चों में एक निराशा साफ झलक नजर आ रही है। जी, तो बलिया से पेपर लीक की बात सामने आ रही है, तो इसकी जानकारी कैसे मिली कि बलिया में पेपर लीक हो गया है? बोर्ड पेपर का जो इंग्लिश का पेपर है वो लीक हो गया है, कैसे जानकारी मिली अखिलेश? जिला अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह के तरफ से सूचना में
सीधा वो सारे जो भी मीडिया कर्मी है उनके मोबाइलों पे एक तरह से सूचना दी गई कि इंटरमीडिएट का जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था वो पेपर वो तरह उसको निरस्त कर दिया गया। जी हिमांशु, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, तो कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? आपके पीछे छात्र भी मौजूद हैं, जब वो परीक्षा केंद्र पहुंचे, जब उन्हें ये जानकारी मिली तो काफी निराश नजर आए होंगे, क्या जानकारी है? जी, आपके साथ छात्र भी मौजूद है, हम चाहेंगे आप उनसे बात करिए और जानने की कोशिश करिए कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि उन्होंने काफी तैयारी भी की थी, परीक्षा केंद्र पहुंचे और उन्हें एंड टाइम पे पता चला है कि पेपर रद्द कर दिया गया है। सब चल थी 2 साल से मेहनत की है, और हम लोग को 43 होने से 1 घंटे पहले बताया गया कि हम लोग हमारा इंग्लिश अंग्रेजी का पेपर इसी बोर्ड का लीक हो गया, और हम लोग सेंटर का भी पेपर और गोरखपुर जिले और कई अन्य जिले में भी ये पेपर लीक हुआ है। सर, ये हम लोग के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। हिमांशु, आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है। अखिलेश, जिस तरह से एनएसए लगाने की बात कही है, सीएम योगी ने आदेश दिया है कि जो भी इस मामले में संलिप्त है उन पे एनएसए लगाई जाएगी, बड़ी कार्यवाही की जाएगी, तो क्या इससे बच्चे संतुष्ट रहेंगे? क्योंकि जिस तरह से उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई है, ऐसे आरोपियों के साथ क्या एनएसए ही एक अच्छा विकल्प है? देखिए, जिस तरह की कार्रवाई की बात करें तो मुख्यमंत्री जी का सीधा कार्रवाई करने की बात, वहीं अभी हमें ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ डिवाइस पे भी पलिया में भी कुछ ना कुछ कार्रवाई होनी लाजमी है। देखिए, इसके बाद एक हमारे जो ये बताएंगे कि आप जब परीक्षा हुआ तो उसके बाद कितना दिक्कत हुआ आपको? नहीं, नोटिस बोर्ड लगा था तो। हम लोग आए पेपर देने के लिए तो पता चल रहा है कि निरस्त हुआ है, दूर दूर से आते पेपर देना, दिन तक निरस्त हुआ तो दिक्कत ही होगा। हम तो देख रहे कितना तेज है। कितना किलोमीटर से आना पड़ा आपको? लगता है 4-5 किलोमीटर, 10-15 किलोमीटर, हमारी दोस्त सब है 8-8 किलोमीटर दूर जा रहे हैं लोग, तो भाई पैसा भी लग रहा है, ऊपर से आए तो इस तरह से अच्छी बात नहीं, मेहनत कर रहे हैं। जी सिखा जी, जी तो जिस तरह से जांच की बात कही जा रही है, अब सरकार भी एक्शन मोड में नजर आ रही है, एसटीएफ अब इस मामले की जांच करेगी, किस तरह से देखते हैं अखिलेश, कितनी जरूरी है जांच, क्योंकि अभी तक कई पेपर लीक हुए लेकिन अब बोर्ड की परीक्षा के पेपर भी लीक होने शुरू हो गए। आपको बता दें कि बुधवार को भी एक संस्कृत का पेपर भी जिस तरह का बलिया में लीक वायरल हो रहा था, उसको आजमगढ़ जीडी यहाँ आके जांच किए, तो कहीं ना कहीं ये तो बलिया में ये दूसरा मामला है कि आज पेपर निरस्त हुआ, लेकिन संस्कृत वाला मामले में अभी तक कुछ जानकारी नहीं हुआ है, लेकिन आज ये जिस तरह का जिलाधिकारी के आदेश अनुसार ये सारा पेपर निरस्त, अंग्रेजी का पेपर निरस्त किया गया, जिसके देखते हुए 24 जिले का और भी पेपर निरस्त किए गए हैं। हिमांशु, बलिया में पेपर लीक हुआ, इसका असर 24 जिलों पे पड़ा है, किस तरह से देखते हैं? जी, छात्रों द्वारा क्या कुछ बताया जा रहा है हिमांशु, कितनी दूर से आए थे वो परीक्षा देने और काफी निराश भी होंगे? बिल्कुल, छात्रों की निराशा है, बात करनी आपसे बताइए, अब क्या हम लोग निराश करके पढ़ते हैं, उसके बाद जब पेपर देने जाके
मैंने उन स्थानीय प्रत्याशी सब से मेरा 5 मिलियन पड़ता मैं भी उनको मेट्रो लेकर होगा क्योंकि वो दर्शाती वो लोग पेपर उनको ये नहीं मालूम होगा 30 किलोमीटर दूर से चलते हम लोग आते हैं पा सकते और उसके बाद पेपर के दिन जब पता चलता है पेपर लिख हो जाता है जाम में फंसने के बाद टाइम बर्बाद हो जाता है जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दोनों ही संवाददाता का और तमाम बातचीत के लिए। हमारे साथ हिमांशु जुड़े थे गोरखपुर से और अखिलेश जुड़े थे बलिया से। तो बलिया से पेपर लीक हुआ और जिस तरह से पेपर लीक हुआ बलिया से और उसका असर 24 जिलों पे पड़ा है, 24 जिलों के पेपर को रद्द कर दिया गया है। हालांकि बाकी जगह पे निर्धारित समय पे परीक्षा कराई जा रही है और बच्चे जब परीक्षा केंद्र पे पहुंचे तो वहां पे उन्हें पता चला कि परीक्षा को रद्द कर दिया गया है क्योंकि पेपर लीक हो गया, जिसके बाद बच्चों में काफी आक्रोश भी देखने को मिला। वहीं अगर बात करी जाए विपक्ष की तो विपक्ष भी लगातार सक्रिय नजर आ रहा है और बात करें समाजवादी पार्टी की तो समाजवादी पार्टी की तरफ से भी ट्वीट सामने आ चुका है, यूपी बोर्ड परीक्षा का पेपर लीक हुआ, पिछली घटनाओं से योगी सरकार ने नहीं ली कोई सीख। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से ये ट्वीट सामने आया है और ट्वीट में लिखा गया है कि बलिया में परीक्षा से पूर्व 12वीं कक्षा का अंग्रेजी का प्रश्न पत्र लीक होना सरकारी व्यवस्था में फेल व्यापक भ्रष्टाचार की देन है, छात्रों के भविष्य से कब तक इसी तरह होता रहेगा खिलवाड़, सीएम दे जवाब। तो समाजवादी की तरफ से ये ट्वीट सामने आया है, विपक्ष सक्रिय नजर आ रहा है। चित्रकूट, अंबेडकर नगर, प्रतापगढ़, आजमगढ़ में परीक्षा रद्द की गई है, गोरखपुर, आजमगढ़, कानपुर में परीक्षा रद्द की गई है। कुल 24 जिले हैं जहां पे परीक्षा को रद्द किया गया है। पेपर लीक मामले में एक्शन में योगी सरकार नजर आ रही है तो वहीं विपक्ष भी नजर आ रहा है एक्शन में। सीएम ने दोषियों पर एनएसए लगाने की बात कही है, रासुका लगाई जाएगी दोषियों पर, पेपर लीक मामले में जांच करेगी एसटीएफ जांच करेगी। एसीएस गृह अवनीश अवस्थी ने अब रिपोर्ट मांगी है, डीएम एसपी से एसीएस ने रिपोर्ट मांगी है, डीएम और एसपी रिपोर्ट देंगे। ये आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई है, प्रशासन पे शासन सख्त नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं प्रशासन की जिस तरह से चूक है ढील देखने को मिली है जिसकी वजह से ये पेपर लीक हुआ है और बच्चों में भी काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है क्योंकि काफी दूर दूर सेंटर जाता है बोर्ड परीक्षा का और जिस तरह से बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा उससे काफी नाराज नजर आ रहे हैं बच्चे। और इस खबर पे हमारे गाजियाबाद से संवाददाता प्रवीण जुड़ चुके हैं। प्रवीण, गाजियाबाद में जब छात्र सेंटर पे पहुंचे उन्हें ये जानकारी मिली कि उनका जो इंग्लिश का बोर्ड का पेपर था वो रद्द कर दिया गया है, कैसा माहौल देखने को मिला छात्रों के बीच? साफ तौर पे बता दूं जिस समय इनको खबर मिली, छात्राओं को पता चला कि हमारा जो पेपर है वो रद्द कर दिया गया है, तो छात्राओं में काफी आक्रोश नजर आया, वो काफी निराश भी दिखे। उन्होंने अपने प्रबंधक से बात की, अपने प्रबंधक से पूछा भी उन्होंने कि आखिर ये रद्द क्यों किया गया है, तो उनको भी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही थी उस समय कि आखिर ये पेपर क्यों रद्द किया गया, क्योंकि आदेश ऊपर से मिला था। कहीं ना कहीं 24 जिलों के अंदर में जो परीक्षा रद्द हुई है कहीं ना कहीं एक लापरवाही देखी जा रही है, क्योंकि पेपर लीक होना बहुत बड़ी बात है और खासकर बता दूं ये अंग्रेजी का पेपर था जिसमें बच्चे काफी मेहनत करने के बावजूद वो जो अपनी परीक्षा के पेपर हैं जो प्रश्न हैं उनको काफी वो पढ़ के आते हैं, उसके बावजूद अगर इस तरह का प्रशासन इस तरह से पेपर लीक हो जाना बहुत चिंताजनक बात है। जी प्रवीण, शिक्षकों में कैसा माहौल देखने को मिल रहा है क्योंकि छात्र तो परेशान है, उन्होंने काफी मेहनत करी थी लेकिन जो शिक्षक होते हैं उनपे भी जिम्मेदारी होती है छात्रों के उज्ज्वल भविष्य की, तो पेपर लीक होने की वजह से जो ये पेपर रद्द हो गया शिक्षकों का क्या कहना है? देखिए शिक्षकों को भी बता दूं आपको, क्योंकि खास तौर पे जब बच्चों के पेपर वो भी मेहनत करके आते हैं कि हाँ बच्चे जो इम्तिहान करेंगे जो लिखेंगे उनके पेपर लिखाई है उनके उसके आधार पे उनको आगे जो नंबर मिलेंगे
लेकिन शिक्षक साफ तौर पे शिक्षकों को भी बहुत निराशाजनक माहौल देखने को मिला है, क्योंकि गाजियाबाद के अंदर में आपको बता दूं काफी ऐसे सेंटर हैं जहां से दूर दूर से बच्चे आते हैं, शिक्षक भी काफी दूर से सफर तय करके आते हैं, क्योंकि उनको भी कई सेंटरों से दूर दूर उनको इम्तिहान के लिए भेजा जाता है कि बच्चों का इम्तिहान आप ही लोग लेंगे। जी जी, तो अब इस मामले में जिस तरह से राजनीति देखने को मिल रही है, एक तरफ सरकार सक्रिय नजर आ रही है, सीएम योगी ने एनएसए लगाने की बात कही है, तो वहीं विपक्ष भी सवाल खड़ा कर रहा है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहले भी ऐसी जो पेपर लीक की खबर है पहले भी कई बार आ चुकी है, लेकिन अभी जो इस समय की जो उत्तर प्रदेश में 24 जिले के अंदर जो पेपर रद्द हुए हैं, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी भी इसमें सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कोई भी इसमें दोषी जो है वो बख्शा नहीं जाएगा, उनके ऊपर एनएसए लगाई जाएगी, और खासतौर पर डीएम और एसपी को भी तलब कर दिया गया है कि आप इस पूरे मामले की जांच करें और पता करें आखिर ये मामला पूरा कहां से किस जगह से शुरू हुआ है और किस व्यक्ति के द्वारा ये पेपर लीक हुआ है। जी प्रवीण, अगर बात करें इस पूरी प्रक्रिया की, जिस तरह से बोर्ड परीक्षा होती है उससे पहले की जो प्रक्रिया होती है पेपर आने से लेकर जाने तक की, तो काफी सख्ती देखने को मिलती है, बड़ी परीक्षा मानी जाती है, अभी तक काफी बड़ी बड़ी परीक्षाएं रद्द हुई हैं पेपर लीक होने की वजह से, लेकिन बोर्ड की परीक्षा जिस तरह से इतनी सख्ती के बीच होती है, तो इसके पीछे की वजह क्या नजर आती है, कहां पे कमी मान रहे हैं आप? देखिए, कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि जो पेपर जहां पर छपते हैं, जहां पर प्रिंटिंग मशीन पे, वो भी बहुत खुफिया तरीके से होता है, वहां पर छपाई होती है, क्योंकि जहां पर छपाई होती है पेपरों की, वहां से किसी व्यक्ति को बाहर जाने की कोई अनुमति नहीं होती है, क्योंकि साफ तौर से अगर वो व्यक्ति वहां से बाहर जाता है तो कहीं ना कहीं पेपर लीक हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आखिर कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को ये मिल रही है कि जहां प्रिंटिंग प्रेस है, जहां से मशीन में छपाई होती है पेपरों की, उस पेपर मशीन छपाई होने के बाद वो सभी सेंटरों पे जाते हैं, सभी उसको पूरी जांच पड़ताल की जाती है, उसके बाद ही विद्यार्थियों के पास तक पहुंचते हैं। कहीं ना कहीं ऐसी लापरवाही इसमें कहीं कोई बड़ा हाथ हो सकता है, लेकिन ये जांच का विषय है, इसके बाद पता चलेगा कि आखिर इसमें कौन दोषी है। जी जी, अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो पेपर कितने बजे प्रिंट हुए, कितने दिन पहले प्रिंट होते हैं और सेंटर पे कब पहुंचते हैं, ये भी जानकारी चाहेंगे। देखिए, आपको बता दूं कि लगभग जैसे कि ये पेपर जो तैयार किए जाते हैं, तैयार करने के बाद और ये छपाई जो होने जाती है, लगभग कि ये सीक्रेट तरीके से रखे जाते हैं, किसी को इसकी जानकारी नहीं दी जाती है, और खास तौर पे जो लोग वहां पर काम करते हैं, वर्कर होते हैं जो ये छपाई करते हैं, उनको भी किसी प्रकार की कोई जानकारी, ना तो उनके पास कोई मोबाइल फोन होता है, ना ही उनके पास कोई सुविधा होती है, ना अपने घर परिवार से किसी से कोई संपर्क नहीं कर पाते, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह से पेपर, अंग्रेजी का पेपर लीक हो जाना उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बड़ी बात मानी जा रही है। खास तौर पे अगर बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो उन्होंने खास तौर पे ये भी कहा है कि अगर कोई भी दोषी पाया जाता है उसके ऊपर एनएसए लागू जरूर की जाएगी। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता प्रवीण कुमार जुड़े थे गाजियाबाद से। तो एक बड़ी खबर है और आज का सबसे अहम सवाल भी है कि आखिर ये परीक्षा है या मजाक, क्योंकि जिस तरह से डर नहीं है आरोपियों में, अपराधियों में, जिस तरह से पेपर लीक कर दिया गया है, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, तो कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त नजर आ रहे हैं, कोई छोटा मोटा नहीं एनएसए लगाने की बात कही है, और एसटीएफ अब इस मामले की जांच करेगा। एसीएस गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने डीएम और एसपी से रिपोर्ट भी मांगी है कि कहां पे चूक हुई है, किस वजह से गलती हुई है, और जब आरोपियों का पता चलेगा तो उन पे एनएसए लगाने की बात खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है। सख्त नजर आते हैं, पारदर्शिता के साथ परीक्षा कराने की बात कही जाती है, और इसमें कोई चूक ना हो इस वजह से परीक्षा रद्द करना ही एक अंतिम विकल्प बचता है, लेकिन जिस तरह से ये चूक हुई है इसके ऊपर पूरी जांच करी जाएगी। विपक्ष भी अब अपने कड़े तेवर दिखाता हुआ नजर आ रहा है, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी ट्वीट सामने आ चुका है जिसमें वो सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर विपक्ष का कहना है कि सरकार ने अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखा है। तो 24 बलिया में जिस तरह से पेपर लीक हुआ है और उसका सीधा असर 24 जिलों पे पड़ा है, 24 जिलों की परीक्षा रद्द कर दी गई है और अन्य जिलों में परीक्षा निर्धारित समय 2 बजे शुरू हो गई है। जितने भी छात्र हैं वो अपने निर्धारित समय से पहले ही 1 से 1.5 बजे के बीच अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंच चुके थे, और जब वो केंद्र पे पहुंचे तो उनको ये जानकारी मिली कि परीक्षा को रद्द कर दिया गया है पेपर लीक होने की वजह से। काफी निराश नजर आ रहे हैं क्योंकि काफी तैयारी के बाद बच्चे अपने परीक्षा केंद्र पहुंचे थे अपनी परीक्षा को देने के लिए, और जब उन्हें परीक्षा रद्द होने की बात पता चली तो काफी निराश नजर आ रहे हैं छात्र।
आपको बता दें कि बलिया, एटा, देवरिया, बागपत, बदायूं, सीतापुर, कानपुर देहात, ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, गोंडा, आजमगढ़, आगरा, वाराणसी, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, शामली, शाजापुर, उन्नाव, जालौन, महोबा, अंबेडकर नगर, गोरखपुर जिले में परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए उन्नाव से संवाददाता चैतन्य जुड़ चुके हैं। चैतन्य, उन्नाव में जब ये खबर बच्चों को पता चली कि उनका पेपर रद्द हो गया है तो काफी मायूस रहे होंगे, और परीक्षा केंद्रों पे बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावक भी पहुंचते उनको परीक्षा दिलाने, तो दोनों के बीच कैसा माहौल देखने को मिला है? अभिभावक और छात्र कितने निराश नजर आए? जहां तक की अगर बात की जाए छात्रों की, तो इंटरमीडिएट के छात्र इस बार जो है काफी निराश होकर वापस लौटे हैं। कई छात्रों ने अच्छी तैयारियां की थी, हम लोगों ने भी, प्राइम टीवी के टीम ने भी उन छात्रों से बात करने का प्रयास किया कि आखिर उन लोगों को परीक्षा रद्द होने से कैसा एहसास हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो मेधावी छात्र रहे या जो जिन्होंने अच्छी तैयारियां की थी, तो वो इस लीक, पेपर लीक होने से वो उनके अंदर निराशा नजर आई। साथ ही उनके अभिभावक भी परेशान है कि इसी तरीके से यूपी टीईटी का मामला भी एक बार 28 नवंबर के आसपास जो घटित हुआ से उसके बाद से अभी तक उनकी परीक्षाएं दोबारा रिपीट नहीं हुई हैं। हालांकि जो इसमें बात की गई है, इसमें जो बेसिक शिक्षा के जो निदेशक हैं उनके अनुसार कहा गया है कि अतिशीघ्र इसकी परीक्षा जो है करवाई जाएगी दोबारा। जी, तो जल्द से जल्द परीक्षा करवाना कितना जरूरी है? अगर इसमें लेट होता है तो क्या कुछ असर पड़ सकता है बच्चों के परिणाम पे? जहां तक की अगर आप बात की जाए परीक्षा परिणाम की और साथ ही बच्चों के भविष्य की, तो लगातार इधर दो साल तो लोग जो बच्चे हैं वो कोरोना काल में भी उनकी पढ़ाई काफी प्रभावित हुई है। एक बार से फिर से जब पढ़ाई चालू हुई है और इस तरीके के मामले आते हैं सामने कि पेपर लीक हो चुका है, इससे जो मेधावी छात्र हैं, जो पढ़ने वाले छात्र हैं और जो भी खासकर जो गरीब और मध्यम वर्गीय छात्र हैं जिनके परिवार वाले किसी तरीके से बच्चों की पढ़ाई करवा रहे हैं, उन लोगों को भी काफी नुकसान हुआ है। अगर अतिशीघ्र परीक्षा नहीं होती है तो बच्चों की जो तैयारियां हुई थी और जो बच्चों ने तैयारियां की थी मन लगाने, कहीं ना कहीं उनके मन में एक निराशा पैदा हुई है और काफी निराश भी है। जी, तो क्या उन्नाव में भी कहीं ऐसी खबर सामने आई है कि जो पेपर लीक हुआ है उसकी कोई फोटोकॉपी या फिर किसी तरह की फोटो वायरल हो रही हो? अभी तक तो ऐसा यहाँ पे पोस्ट ऐसी कोई वायरल यहाँ की सूचना नहीं मिली है लोगों को, ना ही जिला प्रशासन को मिली है। लेकिन जैसे ही आला कमान से एक आदेश हुआ कि पेपर लीक हुए हैं और खासकर इसका 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 जो एक लिंक जोड़ा जा रहा है अन्य किसी एक जिले से जोड़ा जा रहा है, उसके बाद जैसे ही आदेश हुए उसके बाद से जो तैनात विद्यालयों में प्रधानाचार्य थे उन्होंने तुरंत छात्रों को सूचित किया और जो है परीक्षा रुकवा दी। जी, तो प्रवीण, हम ये चैतन्य, हम ये जानना चाहेंगे कि जो बलिया में पेपर लीक हुआ है उसका असर इन 24 जिलों पे ही क्यों, पूरे जिले में क्यों नहीं, पूरे राज्य में क्यों नहीं? अब जैसा कि आला कमान का आदेश है, जो बलिया से पेपर लीक हुआ उसके बाद जो 24 जिले हैं उन्हीं को ही चिन्हित किया गया। कहीं ना कहीं जो आला कमान है उनका ये सोचना है, उनका ऐसा मानना है कि जो पेपर लीक हुआ है उसमें जो संभावित लोग हैं वो इन्हीं 24 जिलों में, या पेपर जो लीक हुआ है इन्हीं 24 जिलों में ही किसी जगह पहुंचा है। हालांकि इसमें सरकार की तरफ से उन्होंने साफ कह दिया है कि एनएसए की कार्रवाई की जाएगी, जो भी इसमें जिसने भी गड़बड़ किया है उसके खिलाफ बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता चैतन्य जुड़े थे उन्नाव से। तो यूपी बोर्ड की परीक्षा काफी अहम होती है सभी के लिए, चाहे वो छात्र हो, शिक्षक हो, अभिभावक हो, और सभी में निराशा देखने को मिल रही है परीक्षा रद्द होने के बाद। और सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त तेवर में नजर आ रहे हैं, और जिस तरह से परीक्षा रद्द हुई है लीक होने के बाद, तो उस पर उन्होंने आदेश दिया है कि आरोपियों के ऊपर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी, और सीधे तौर पर खुद एसीएस ग्रे अवनीश कुमार अवस्थी ने डीएमएसपी से रिपोर्ट मांगी है और पूरी जांच एसटीएफ करेगी इस मामले में। बच्चे काफी नाराज हैं, उनके जो तैयारियां थी काफी कड़ी तैयारियां करके गए थे, क्योंकि बोर्ड के लिए सभी छात्र बहुत मेहनत करते हैं और हर एक एग्जाम में अपनी जी जान लगा के कोशिश करते हैं, और उसके बाद अगर कुछ ऐसा हो जाए काफी निराश होते हैं। अभी तक कई ऐसे पेपर हैं
कई बड़ी सरकारी नौकरी के पेपर हैं जो कि लीक हो चुके हैं, जिसके बाद उन्हें रद्द भी किया गया। कुछ पेपर ऐसे जिन्हें करवा तो लिया गया, और वहीं कुछ पेपर ऐसे हैं जिनको अभी तक नहीं करवाया गया है, जिसकी वजह से छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और अब जब बोर्ड की परीक्षा में ऐसा हुआ है, 12वीं की अंग्रेजी के पेपर के साथ ऐसा हुआ है, तो काफी चिंतित नजर आ रहे हैं छात्र। बता दें कि ऐसा कहा जा रहा है कि बलिया में अंग्रेजी का पेपर लीक हुआ और उसका असर 24 जिलों पर पड़ा है, जिसमें एटा, देवरिया, बागपत, बदायूं, सीतापुर, कानपुर देहात, ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, गोंडा, आजमगढ़, आगरा, वाराणसी, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, शामली, शाहजहांपुर, उन्नाव, जालौन, महोबा, अम्बेडकर नगर, गोरखपुर, ये वो जिले हैं जहाँ पे असर पड़ा है। परीक्षा को रद्द करवा लिया गया है। इनके अलावा बाकी की जिलों में परीक्षा अपने निर्धारित समय पर करवाई जा रही है। उत्तर प्रदेश के बलिया और देवरिया में बुधवार को दूसरी पाली में इंटरमीडिएट के बोर्ड परीक्षा में अंग्रेजी का पेपर लीक होने के बाद 24 जिलों में परीक्षा स्थगित कर दी गई है। इन 24 जिलों को छोड़कर अन्य जिलों में अंग्रेजी की परीक्षा हो रही है। बता दें कि प्रश्न पत्र लीक होने के बाद जो सीरीज बताई जा रही है 316 EH सीरीज का पेपर वायरल होने की बात कही जा रही है बलिया और देवरिया में। तो उसके बाद जहां जहां पे भी ये सीरीज के 316 EH सीरीज के पेपर जाने थे, वहां वहां पे पेपर को रद्द कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट की परीक्षा का एक प्रश्न पत्र तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि जो पेपर लीक हुआ है वो यही सीरीज है। पेपर सोशल मीडिया पर वायरल होते ही हड़कंप मच गया है और आनन फानन में 24 जिलों में परीक्षा रोक दी गई है। ऐसा माना जा रहा है कि इस सीरीज के पेपर इन 24 जिलों में जाने थे। यूपी बोर्ड परीक्षा में अंग्रेजी का पेपर लीक होने के मामले में अब समाजवादी पार्टी ने भी प्रदेश सरकार पर ट्वीट कर हमला बोला है। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि यूपी बोर्ड का पेपर लीक, पिछली घटनाओं से योगी सरकार ने नहीं ली कोई सीख। बलिया में परीक्षा से पूर्व 12वीं कक्षा का अंग्रेजी का प्रश्न पत्र लीक होना सरकारी अव्यवस्था में फैले व्यापक भ्रष्टाचार की देन है। छात्रों के भविष्य के साथ कब तक खिलवाड़ होगा, इस बात को लेकर समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि छात्र के भविष्य से कब तक इसी तरह होता रहेगा खिलवाड़, सीएम दे जवाब। तो एक ट्वीट भी सामने आ गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से, ट्वीट करके सीधे तौर पर निशाना साधा गया है सरकार पर। विपक्ष होने के नाते सवाल कर रहे हैं, तो वहीं सरकार में होने के नाते सीएम ने भी सख्त निर्देश दे दिए हैं कि बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। वहीं अभी तक परीक्षा कब कराई जाएगी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बारे में जानकारी दी जाएगी, अभी कोई इस बारे में जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन सीएम की तरफ से सख्त लहजे में ये बात जरूर कह दी गई है कि NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी। और इस खबर पे हमारे साथ अब ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता अभय जुड़ चुके हैं कानपुर देहात से। अभय, कानपुर में जब परीक्षा रद्द होने की बात सामने आई तो काफी मायूस नजर आए होंगे बच्चे, अलग अलग केंद्रों पे पहुंच चुके थे, क्योंकि जब 1 बजे का समय था जब ये खबर सामने आई है और 1 से 1.5 बजे के बीच छात्र पहुंच जाते हैं, तो जब उन्हें घर वापस लौटना पड़ा तो उनकी मांगे क्या थी, क्या कहते नजर आए छात्र? बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो परीक्षा थी तो उसमें छात्र कई ग्रामीण इलाकों की बात करें तो काफी दूर से आना पड़ता है छात्रों को। कई सात छात्र ऐसे होते हैं जिनके पास साधन नहीं होता है तो वो अपने किराए से भी आते हैं। तो छात्र विद्यालय तक पहुंच गए थे, कई तस्वीरें हमने आप प्राइम टीवी आपको एक्सक्लूसिव दिखा भी रहा है किस प्रकार से स्कूल के बाहर जो छात्र हैं वो कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रहे थे। उनका साफ तौर पर कहना था कि अब जब दूसरी तिथि होगी, दूसरी तारीख जब सरकार की तरफ से घोषित की जाएगी, इसके बाद उन्हें परीक्षा दी जाएगी। फिलहाल कई अध्यापक ऐसे भी अध्यापक और प्रबंधक से जब बात करने की कोशिश की गई तो उन्हें भी नहीं मालूम था कि आखिर में जो परीक्षा रद्द की गई है वो रद्द करने का कारण क्या रहा। फिलहाल अब शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने एक आदेश जारी किया कि NSA लगाएंगे और 24 जिलों के जो DIOs हैं उन पर भी गाज गिर गई है, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की जो सबसे बड़ी जानकारी आ रही है वो ये है जी, जिस तरह से परीक्षा पत्र जो एक वायरल फोटो है वो सामने आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि जो सीरीज है 316 EH, तो क्या वही जिन 24 जिलों में जानी थी उसी का प्रभाव माना जाए कि इन 24 जिलों में जानी थी इसी वजह से इसे रद्द कर दिया गया है, क्या जानकारी है?
बिल्कुल कहीं ना कहीं वो जो सीरीज थी वो इन्हीं 24 जो जनपद है उन्हीं जनपदों में जानी थी, जिसके बाद से अब जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है उन्होंने खुद पूरे घटनाक्रम पर इस पर नजर बनाए हुए हैं और एनएसए की जो कार्रवाई है वो सर मुख्यमंत्री ने आदेश दिया गया और डीएमएसपी को भी उन्होंने तलब किया है। जी, तो जब छात्रों को ये बात पता चली कि सरकार की तरफ से सख्त आदेश दे दिया गया है, सख्त कार्रवाई की जाएगी आरोपियों के खिलाफ, तो क्या वो इससे संतुष्ट नजर आए? देखिए ग्रामीण इलाके के छात्र होते हैं तो उन्हें इन सब चीजों के बारे में इतना इतनी जानकारी नहीं होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो छात्र हैं उनके चेहरों पर साफ तौर पर मायूसी होती है कि दोपहर का वक्त था और जो छात्र थे वो अपने गांव से पेपर देने के लिए आए थे और काफी तैयारी में, सबसे बड़ी बात यह है कि इंग्लिश का पेपर था तो इंग्लिश के पेपर के लिए छात्रों को रात दिन मेहनत करनी पड़ती है, काफी तैयारियां करनी पड़ती हैं, इसके बाद वो दूसरे दिन परीक्षा दे पाते हैं, सुबह से लेकर दोपहर तक वो पढ़ते हैं, परीक्षा देने के वक्त तक वो पढ़ते रहते हैं। लेकिन अब जब छात्रों का पेपर लीक हो गया, उन्हें बताया जा रहा है कि अब परीक्षा नहीं होगी, दूसरे तिथि की होगी, तो कहीं ना कहीं छात्रों या छात्राएं उन्हें के चेहरे पर जो मायूसी है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अभय हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ कानपुर से संवाददाता, कानपुर देहात से संवाददाता हमारे साथ अभय जुड़े थे। और इसी खबर पे अंशु अवस्थी जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है, उन्होंने क्या कुछ कहा है, क्योंकि लगातार विपक्ष सरकार को घेर रहा है और सरकार को घेरने के साथ ही कई तंज भी कस रहा है, तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी का भी बयान सामने आया है, क्या कुछ कह रहे हैं आप ही सुनिए। भाजपा के अक्षम नेतृत्व की वजह से आज नौजवानों का भविष्य खतरे में है। 24 से ज्यादा जनपदों में आज यूपी बोर्ड की परीक्षाएं पेपर लीक हो गए। पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 17 से ज्यादा नौकरियों के पेपर लीक हो गए। प्रदेश का नौजवान पूछ रहा है मुख्यमंत्री जी कि आपकी अक्षमता को कब तक आखिर नौजवानों पर जुल्म और अत्याचार होगा, इस घटना की जांच होनी चाहिए, सत्ता पक्ष से जुड़े जो भी लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। नई सरकार को जनता ने जनादेश दिया लेकिन सरकार पुनः अपनी अक्षमताएं दिखाना शुरू कर चुकी है। भाजपा के अक्षम नेतृत्व की, तो आपने सुना कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि अभी तक कई सरकारी नौकरी के पेपर लीक हो चुके हैं, अब बोर्ड का पेपर भी लीक हो गया है, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो भी सत्ता पक्ष के लोग इसमें शामिल हो। तो कहीं ना कहीं, हालांकि सत्ता पक्ष का तो कोई इसमें संलिप्त होना संभव नहीं है क्योंकि ये इसका डिपार्टमेंट अलग किया जाता है जो इस पूरी प्रक्रिया को देखते हैं और कहां से लीक हुआ है, सीधे तौर पर सरकार की तरफ से ये बात कह दी गई है कि जो भी इसमें संलिप्त होंगे उनके ऊपर कार्यवाही करी जाएगी, तो पूरी जांच करी जाएगी और जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट मांगी भी है एसीएस अवनीश अवस्थी ने, और इस रिपोर्ट के आने के बाद उन पे सख्त कार्रवाई करने का आदेश भी दे दिया गया है। अब जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात का खुलासा होगा कि परीक्षा कब कराई जाएगी। जो छात्र है काफी दूर दराज से इस गर्मी में परीक्षा देने के लिए अपने केंद्रों पर पहुंचे थे लेकिन उन्हें परीक्षा नहीं देने को मिला और वो निराश होकर जब घर लौटे तो उनको क्या कुछ सुविधा दी जाएगी, इस बारे में पूरी जानकारी मिलेगी जब खुद सरकार के अधिकारी या जनप्रतिनिधि जनता के बीच आएंगे, मीडिया से रूबरू होते हुए तमाम जानकारी देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तमाम चीजों का खुलासा तब ही होगा। तो विपक्ष तो लगातार सक्रिय है ही और इस बीच माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने क्या कुछ कहा है इस मामले पर, आप ही देखिए। इसकी जांच की जा रही है और जांच में जो भी फंसेगा सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इसकी जांच बता दी जाएगी आपको, जिसको भी दी जाएगी हम बता देंगे आपको। एसीएस जोन की तरफ से मैम रिपोर्ट मांगी गई है, किनसे मांगी गई है, कहां कहां पे अभी वो सब बता दिया जाएगा आपको, थोड़ा मौका दीजिए हमको। इसकी जांच की जा रही है और जांच में जो भी फंसेगा सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इसकी जांच बता दी जाएगी आपको, जिसको भी दी जाएगी हम बता देंगे आपको। एसीएस जोन की तरफ से मैम रिपोर्ट मांगी गई है, किनसे मांगी गई है, कहां कहां पे अभी वो सब बता दिया जाएगा आपको, थोड़ा मौका दीजिए हमको। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला का भी बयान सामने आया है, उन्होंने इस मामले पे क्या कहा है आप ही सुनिए। हम लोग को सूचना मिली कि कुछ लोग जो ऐतिहासिक जैसे अव्यवस्था ना हो और हमारी
इम्तहान और परीक्षा की स्वच्छता और पवित्रता बनी रहे। हम लोग ने इमीडिएटली वो पेपर की सीरीज जो अन्य जनपदों में रही है, 24 ऐसे जनपद हैं, उनमें हम लोग ने ये पेपर को निरस्त करने का निर्णय लिया। मैं आपको पढ़ के सुना। कौन सा पेपर है मैम? ये इंटरमीडिएट इंग्लिश का पेपर है जो 2 बजे आज होना है जी, तो उसको हमने निरस्त किया है। उसके लिए हम अन्य तिथि दे देंगे उन 24 जनपदों के बच्चों के लिए। अच्छा, इसमें मैं आपको बता देती हूँ, ये है आगरा, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, बागपत, बदायूं, एटा, शामली, शाहजहाँपुर, उन्नाव, सीतापुर, ललितपुर, महोबा, जालौन, चित्रकूट, अम्बेडकर नगर, प्रतापगढ़, गोंडा, गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया, वाराणसी, कानपुर देहात। पेपर लीक मामले में समाजवादी पार्टी का ट्वीट आया सामने, बड़ी खबर सामने आ रही है, पिछली घटनाओं से योगी सरकार ने नहीं ली कोई सीख। सक्रिय नजर आ रहा है विपक्ष, सरकार को घेरते हुए नजर आ रही समाजवादी पार्टी। परीक्षा से पूर्व पेपर लीक मामला भ्रष्टाचार की देन, सरकारी व्यवस्था में फैले व्यापक भ्रष्टाचार की देन है पेपर लीक। छात्रों के भविष्य से कब तक सरकार करेगी खिलवाड़, सपा की तरफ से ट्वीट सामने आया है, मुख्यमंत्री पूरे मामले पर जवाब दे। पेपर लीक मामले में समाजवादी पार्टी का ट्वीट आया सामने, यूपी बोर्ड परीक्षा का पेपर लीक, पिछली घटनाओं से योगी सरकार ने नहीं ली कोई सीख। बलिया में परीक्षा से पूर्व 12वीं कक्षा का अंग्रेजी का प्रश्न पत्र लीक होने से सरकारी व्यवस्थाओं में पहले व्यापक भ्रष्टाचार की देन है, छात्रों के भविष्य से कब तक इसी तरह होगा खिलवाड़। तो बच्चों के भविष्य से कहीं ना कहीं किसी ना किसी के द्वारा खिलवाड़ जरूर किया जा रहा है। इस मामले पे जहां विपक्ष हमलावर है तो वहीं सरकार भी एक्शन मोड में नजर आ रही है, जांच की बात कही है, और अब देखना यह होगा कि कितनी जल्द से जल्द कितने कम समय में जांच होती है। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।